इतना गंदा सोच जो है पश्चिमी देशों का है, खासतौर से ये अमेरिका जो है ना, और ये कॉन्सेप्ट वो ही लेकर आया, यदि कोई भी मनुष्य तलाक लेता है तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। यदि वो शादी करते हैं दोबारा तलाक के बाद तो वो व्यभिचार कहलाए जाते हैं और उनकी संतान भी व्यभिचार की संतान कहलाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को यदि आप लोगों ने बड़े धीरज के साथ समझ लिया तो आप यकीन जानिए आपके जीवन में जो रिश्ते हैं, किसी भी प्रकार के रिश्ते, वो बने रहेंगे, वो कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जिससे सारे रिश्ते निकले हैं और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। और पति पत्नी के रिश्ता आज इतना सस्ता हो गया है कि आप कोर्ट में चले जाइए, पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। विदेशों में तो सबसे ज्यादा तलाक होते हैं, हमारे भारत में बहुत कम तलाक होते हैं। देखिए, विदेशों में चाहे तलाक ज्यादा होते हो या भारत में कम होते हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि तलाक होते ही क्यों है, क्योंकि तलाक होने का मतलब क्या है। तलाक होने का मतलब यह नहीं है कि दो लोगों का अलग होना, इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। तलाक होने का मतलब कभी यह नहीं है कि दो लोग अलग हो रहे हैं या दो लोगों का संबंध खत्म हो रहा है। तलाक होने का मतलब है कि दो परिवारों का अलग होना, दो परिवारों का संबंध खत्म होना, बहुत से लोगों का अलग होना और बहुत से लोगों का संबंध आपस में खत्म होना तलाक की शुरुआत है, या तलाक इसे कहते हैं। हम ये मान लेते हैं कि नहीं, उससे मेरी बनती नहीं थी, उसके विचार मेरे से नहीं बनते थे, इसलिए हमने तलाक ले लिया। ये कोई रीजन नहीं होता है। आप जानते हैं कारण क्या है तलाक होने के? जब हमने इस चीज को जान लिया, इस चीज को सीख लिया कि तलाक होने के कारण क्या है और उस पर हमने कंट्रोल कर लिया, विजय पा ली, तो ये सोच लीजिए ना तो तलाक होगा और दो लोग ही नहीं बल्कि कोई लोग भी अलग नहीं होने पाएंगे। दो परिवार कभी अलग नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोग जो आपसे पति पत्नी के रिश्ता जब बनता है तो बहुत से लोग उनसे जुड़े होते हैं, वो कभी अलग नहीं होने पाएंगे। और वो कारण क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो है उस परम पिता परमेश्वर के प्रति आस्था ना रखना। अब आप कहोगे कि साहब हम तो आस्था रखते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम आस्था नहीं रखते हैं? देखिए, आप परमेश्वर के मंदिर में जाकर या परमेश्वर के कहीं पर भी जाकर परमेश्वर से आस्था रखते हैं, पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, परंतु एक बात याद रखिए, पति पत्नी का एक ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो समस्त धर्म के लोग अपने अपने ईश्वरों के सामने उसको साक्षी मानकर स्वीकार किया जाता है। उस रिश्ते को परम परमेश्वर के सामने जोड़ा जाता है, यही एक ऐसा रिश्ता है। आप देख लीजिए, जब किसी का विवाह होता है, हिंदू समाज के अंदर अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रों का उच्चारण करके जो है विवाह संपन्न किया जाता है, यानी अग्नि और जो मंत्र होते हैं, वेदों से लिए गए मंत्र जो होते हैं वो साक्षी होते हैं। आप मुस्लिम समाज में चले जाइए, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर जो है उनसे ये इकरार कराया जाता है कि आपको कबूल है ये औरत, और औरत से कबूल करवाया जाता है कि ये शख्स, ये आदमी जिससे आप निगाह करना चाहती है, ये आपको कबूल है। हाँ, कबूल है। किसकी? अल्लाह की हुजूरी में। यही बात जब आप सिख धर्म में जाएंगे, वहां गुरुद्वारे में जाकर जो इन सिख धर्म का जो 11वां गुरु है अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब, उसको साक्षी मानकर जो है
वो पति पत्नी का रिश्ता संपन्न किया जाता है। ईसाई समाज के अंदर, चर्च के अंदर जाकर उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर जो है क्या करा जाता है कि हां मैं इसको अपनी ब्याहता पत्नी कबूल करता हूं, मैं इसको अपना ब्याहता पति कबूल करती हूं। और फिर ईश्वर को साक्षी मानकर पादरी जो है वो उन्हें पति पत्नी घोषित करता है। किसी भी धर्म में देख लीजिए, जब ईश्वर के सामने हमने ये शपथ खाई, ईश्वर के सामने हमने ये वायदा करा, उसके बाद हम तलाक ले लेते हैं, तो हम किस किसकी साक्षी को दोषी ठहराते हैं या झूठा ठहराते हैं, किसकी साक्षी को नकारते हैं? किसी मनुष्य की नहीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ईसाई समाज में यहोवा जो है उसको साक्षी मानकर, यीशु मसीह को साक्षी मानकर हम उसे गलत साबित करते हैं, उसकी साक्षी को गलत साबित करते हैं। तो आस्था कहां रही? आस्था तो खत्म हो गई। और जब इनको साक्षी मानकर जब हम पति पत्नी एक होते हैं, तब जो संतान हम लोगों से उत्पन्न होती है वो हमें क्या बनाती है? माता पिता बनाती है। एक रिश्ता और जुड़ जाता है माता पिता का, बच्चों का रिश्ता बनता है, दादा दादी का रिश्ता बनता है, एक पति पत्नी के द्वारा जो होता है, बहुत से रिश्ते जो होते हैं इससे बने गए। ये पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने, जब आप उत्पत्ति एक अध्याय उसका 26 और 27 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाने के बाद आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और बनाकर उसको अदन की वाटिका में रख दिया। मगर परमेश्वर ने जब देखा कि हर एक आकाश के पक्षियों का, जल के जीव जंतुओं का और रेंगने वाले जीव जंतुओं का और घरेलू और बनेले पशुओं का भी सबका जोड़ा है, परंतु आदम को अकेले फिरता हुआ देखा तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 18वां पद, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, उसकी सहायता करने वाला, गुलाम नहीं। जैसे आज बहुत से समाज के अंदर, बहुत से जातियों में, बहुत से लोगों के बीच में जो है स्त्री को गुलाम बनाकर रखा जाता है। जब हमारी ये सोच होती है तब तलाक की नौबत आती है। जब हम ईश्वर की साक्षी को खत्म कर देते हैं तब तलाक की नौबत आती है, क्योंकि हमारी आस्था खत्म हो जाती है। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो मैं उससे मेल खाने का मतलब उसकी फीलिंग को समझे, उसको समझे, उसकी हर बात में सहायता करे। और जब आज स्त्री जो है हर बात में आदमी की सहायता करती है तो वो भी उसे अखरती है कि ये मेरे से आगे निकल रही है, आज ज्यादा आगे बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखिए क्या बनाया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उत्पत्ति 2 अध्याय और 21 से 24 पद तक पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब यहां पर बहुत सी बातें हैं। देखिए, परमेश्वर ने आदम के लिए स्त्री बना दिया और कौन लेकर गया? परमेश्वर लेके गया। कहते हैं ना कि रिश्ते ईश्वर बनाकर भेजता है, जोड़े ईश्वर बनाता है। जब रिश्ते ईश्वर बनाता है, जोड़े ईश्वर बनाता है, तो फिर तलाक देकर वो रिश्ते तोड़ क्यों दिए जाते हैं? आप हम लोग ये क्यों नहीं मान लेते हैं?
स्त्रियां ये क्यों नहीं मान लेती कि ये जो जोड़ा मुझे दिया गया है ये परमेश्वर ने दिया है, पुरुष ये क्यों नहीं मान लेता कि ये जो स्त्री दी गई है ये परमेश्वर ने मुझे दी है। आप परमेश्वर की दी हुई चीज को जो परमेश्वर ने बनाकर भेजी है आप उसे ठुकरा रहे हो, तो परमेश्वर में आस्था रही कहां। दूसरी बात, यहां परमेश्वर में कहता है कि परमेश्वर लेकर उसके पास गया कि ये तेरी स्त्री है, आज से ये तेरी पत्नी है, ये तुझ में से निकाली गई है, नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा और वो एक शरीर होंगे। अब एक शरीर दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए, देखिए, अब मैं आपको ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, ये एक पेपर है। अब इस एक पेपर को आप दो पेपर कैसे कह सकते हैं? ये तो एक ही पेपर है। ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता जो है एक शरीर है, वो दो कैसे हो सकते हैं, वो अलग कैसे हो सकते हैं, उनको विभाजित कैसे किया जा सकता है, तलाक उनको कैसे अलग कर सकता है, ये मेरे समझ की बाहर है। और आप जानते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 4 पद में क्या लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पराई स्त्री गामियों का न्याय करेगा। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, विवाह जो है वो क्या समझी जाए, आदर की बात समझी जाए। और आज के समय में विवाह जो है वो सबसे अनादर की बात है। सबसे अनादर की बात जो है, अगर कोई रिश्ता है तो वो पति पत्नी का रिश्ता है, यानी विवाहित जीवन जो है वो है। और कह रहा है कि बिछोना निष्कलंक, निष्कलंक का मतलब क्या हो कि आपका जब विवाह हो गया है तो आपका बिस्तर जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए, यानी आपका संपर्क, और चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी और स्त्री और पुरुष के साथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो परमेश्वर ने आपको दी है उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों का क्या करेगा, न्याय करेगा, लेखा जोखा लेगा, परमेश्वर कहता है। एक बड़ी अच्छी बात जो है मलाकी में लिखी गई है, साथ आप निकाल सकते हैं मलाकी 2 अध्याय उसका 13 से 16 पद तक, बड़ा ध्यान दीजिएगा, मलाकी 2 अध्याय उसका 13 से 16 पद तक है। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और हाय भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहां तक कि वे तुम्हारी भेंटों की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वे परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। देखिए अब यहां पर क्या, परमेश्वर बिल्कुल साफ कहता है कि मैं स्त्री त्याग से क्या करता हूं, घृणा करता हूं। और उससे पहले 13वें पद में लिखा था कि मेरी आहें भरने वाले और जो रोने वाले और आहें भरने वालों के कारण क्या है, उनके आंसुओं से मेरी वेदी क्या है, भिगो दी गई है। क्यों? क्योंकि जब तलाक होता है तो कोई खुशी नहीं होती है, दुख होता है। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे अलग रोते हैं, माँ बाप अलग रोते हैं, और बहुत से जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी रोते हैं कि ये क्या हो गया, एक परिवार टूट गया। परमेश्वर जो है इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि एक परिवार टूटता है, दो लोग अलग नहीं होते हैं, दो परिवार अलग होते हैं, दो बहुत से लोग अलग हो जाते हैं, जिससे परमेश्वर जो है खुश नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर साक्षी हुआ है, तो उसकी साक्षी को ठुकरा कर वो अलग हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं घृणा करता हूं जो तलाक लेता है या स्त्री को त्याग देता है, उससे मैं घृणा करता हूं। और परमेश्वर कहता है ये बिल्कुल गलत काम है और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर तलाक जो है वो आदमी लोग ही लेते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मती 19 अध्याय, जी हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, मती 19 अध्याय उसके 6 पद में क्या लिखा, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है,
इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। देखिए क्या बात है कि जोड़े ऊपर से बनते हैं और हर एक धर्म के लोग जो हैं एक जो पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को ग्रहण करने आए हैं वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है या यत्न किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें जोड़ा जा रहा है। इसलिए जोड़ने वाला कौन है, कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। कौन मनुष्य अलग कर रहा है, आप किस मनुष्य के कारण अलग हो रहे हैं? परमेश्वर बिल्कुल, परमेश्वर का वचन जो है ये बिल्कुल साफ कहता है और इसके 7-9 पद में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पर देकर उसे छोड़ दे। उसने कहा मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो वो छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आप तलाक लेते हैं, हमारे मसीही समाज में और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो है, यदि कोई भी मनुष्य तलाक लेता है तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। यदि वो शादी करते हैं दोबारा तलाक के बाद तो वो व्यभिचार कहलाए जाते हैं और उनकी संतान भी व्यभिचार की संतान कहलाई जाती है और ये पाप उनका माफ नहीं होता। वो कितना भी पश्चाताप कर लें, कितना भी पश्चाताप कर लें, वो परमेश्वर की नजरों में वो शादी मान्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक बार साक्षी होता है उस रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में एक बार साक्षी होता है, हर बार साक्षी नहीं होता है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो शादी मान्य नहीं होती है और उसमें किसी भी किस्म की ब्लेसिंग्स नहीं होती है, चाहे पादरी कितनी शादी पढ़ ले, कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती, ना बच्चों पर ब्लेसिंग्स होती है। बिल्कुल साफ परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां पर जो है दूसरा कारण जो है एग्रीमेंट का है। पश्चिमी देशों में खासतौर से अमरीका में जो है पहले से एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाता है शादी से पहले, अभी शादी हुई नहीं है उनकी, मगर एग्रीमेंट पहले तैयार कर लिया जाता है। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है कि उनकी जो संपत्ति है तलाक के बाद जो है, ये एग्रीमेंट होता है कि तलाक के बाद अगर तलाक हुआ और हमने तलाक ले लिया तो तलाक के बाद जो है ये संपत्ति कैसे बांटी जाएगी, किसको दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, और ऐसी संपत्ति जो डील करेगा उसको कौन डील करेगा, बच्चों की स्थितियां कैसी होंगी, बच्चे किसके पास रहेंगे, कितने बच्चे किसके पास रहेंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा, ये सारे क्यों, मतलब आपने शादी से पहले ही तलाक की सोच ली। ये पश्चिमी देशों की बात है, मतलब इतना गंदा सोच जो है पश्चिमी देशों का है, खासतौर से ये अमेरिका जो है ना, ये अमेरिका के अंदर जितना करप्शन अमेरिका के अंदर है उतना शायद ही किसी देश के अंदर होगा, सबसे ज्यादा बहुत सी बातों को लेकर। और ये कॉन्सेप्ट वो ही लेकर आया, और ये जो है ये कभी भी किसी भी मनुष्य को एक नहीं होने देना चाहता है, और ये जो है परमेश्वर इससे बहुत नाराज होता है। तीसरा कारण होता है लिविंग रिलेशनशिप, लिविंग आज जो है उसको लिविंग रिलेशनशिप कह दिया है। इंग्लिश में ना बहुत चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती है, बोलने में अच्छी लगती है, मगर जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे ना तो उसको कहते हैं रख है। अब एक जो स्त्री है अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में है तो वो उस पुरुष की रखेल बनकर रह रही है। और ये सोचिए आप रखेल बनकर तो रह रही हैं, आपके बच्चे हो गए, आपने शादी नहीं करी, तो शादी से पहले ऐसे संबंध बनाना धर्म के अनुसार जो है वो व्यभिचार माना जाता है, और वैसे भी व्यभिचार माना जाता है, लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर मान लीजिए आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे, अच्छा लगा तो सही है, नहीं लगा तो वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, और आपने जब फिर अपनी शादी करना चाहेंगे, आप फिर अपना घर बसाना चाहेंगे, कोई आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर आप आज इसके साथ है, कल दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है, आज इसकी रखेल बनकर रह रही है, कल दूसरे की रखेल बनकर रहेंगे। और पुरुष भी क्या है, आज इसको रखेल बनाकर रख ला, कल दूसरे को रखेगा, परसों तीसरे को रखेगा।
ये चलता रहता है। मगर इससे क्या होता है, ऐसे ही संबंध जब बन जाते हैं, बहुत से शादीशुदा भी इस लिविंग रिलेशनशिप में आ जाता है अपनी पत्नी को छोड़कर, तो ये जो चीजें हैं, ये तलाक का जो होता है, ये कारण जो होता है, ये तलाक का कारण है। चौथा कारण है महिलाओं का जागरूक होना। जी हाँ, जब आजकल की महिलाएं जो हैं जागरूक है, देखिए मैंने पहले बताया था कि परमेश्वर ने कहा मैं सहायक बनाऊंगा। जब सहायक बनाया है तो अगर वो आज जागरूक है, वो अगर आज पुरुष के से कंधा मिलाकर काम करती है या बात करती है, तो क्या होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। परंतु पुरुष जो है सबसे ज्यादा जलन रखने वाला है, अरे ये मेरे से आगे कैसे निकल गई, ये कैसे आगे जा रही। स्त्री का जागरूक होना जो है ये भी तलाक का कारण है। पांचवा जो कारण है घरेलू हिंसा। जी हाँ, घरेलू हिंसा जो होती है, देखिए कई कारणों से घरेलू हिंसा होता है। क्या है, जैसे पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, जब पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों जो है बाहर काम कर रहे हैं, अब घर का काम कौन करेगा। अब पति सोचता है कि नहीं साहब, घर का काम तो स्त्री करेगी, स्त्री की जिम्मेवारी है। और यहीं से जो होती है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और स्त्री के ऊपर घरेलू हिंसा जो है वो शुरू हो जाती है। एक तो घरेलू हिंसा जो बाहर काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी होता है। देखिए जब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का फर्ज यह बनता है कि दोनों जो है घर में भी एक साथ काम करें और घर को सपोर्ट करें। यह नहीं कि अकेले स्त्री करेगी, पुरुष का भी काम होता है। दूसरा, अगर बहुत सी स्त्रियां बाहर काम नहीं कर रही होती हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब शादी हो जाती है, शादी नहीं होती है, मान लीजिए जवान बेटी आपके घर में है, अब जवान बेटी है वो सुबह उठकर अपने पापा ड्यूटी जा रहे हैं उनको भी नाश्ता बनाकर दे रही, भाई जा रहे हैं अपनों उनको भी, वो भी ड्यूटी जा रहे हैं, या उससे छोटे भाई बहन है उनको भी स्कूल तैयार करके भेज रही है, अपने आप भी तैयार होकर कॉलेज जा रही है। परंतु जब भाई की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद वही बहन जो है सारे काम छोड़ देती है। सास भी उठकर जो है शादी से, उसकी शादी से पहले काम करती थी, परंतु उसके बाद भी वो सारे काम छोड़ देती, नहीं साहब ये करेगी, अब तो घर में नौकरानी आ गई है, बहु नहीं आई है, बेटी नहीं आई है, आपकी बेटी भी किसी के घर में जाएगी। उसके साथ जब ऐसा व्यवहार होता है तो आपको दुख लगता है, परंतु जब आप किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तब आपको दुख नहीं लगता है। तलाक का सबसे बड़ा कारण जो है ये घरेलू हिंसा जो है, जो इस प्रकार से होती है, ये भी घरेलू हिंसा में होता है, जिससे घर का जो वातावरण है वो अशांत जो है वो बना रहता है। सातवां कारण क्या है, देखिए जब पति पत्नी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। जी हाँ, जब पति पत्नी क्या करते हैं अपने ऊपर, छठा जो है पॉइंट, जब पति पत्नी अपने ऊपर ध्यान देते हैं, पति अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, पैसा आ रहा है, अपना खर्च कर रहा है, पत्नी के बारे में नहीं सोच रहा है, या पत्नी जो है अपने ऊपर ध्यान दे रही है, ना अपने बारे में सोच रही है ना बच्चों के ऊपर, तो जब सिर्फ अपने अपने लिए इंसान जीने लगता है, अपने अपने बारे में ही सोचने लगता है, तो वहां पर भी तलाक की नौबत आती है। और सातवां क्या है कि नशा। देखिए नशा सबसे बुरी चीज है, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे आप बहुत ज्यादा शराब पी रहे हों या बहुत ज्यादा और ड्रग्स वगैरह ले रहे हों या और भी बहुत से नशे कर रहे हों, उसका जो असर है वो शरीर पे पड़ता है। और जब शरीर पे पड़ता है तो शरीर के अंदर जो क्षमता होती, जो पावर होती है, वो पुरुष के अंदर वो घटने लगती है, जिससे वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है और जिसके कारण जो है लड़ाई झगड़े और कलह उत्पन्न होने लगते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। तो इतना, पहली बात, इतना क्या नशा करना ही नहीं चाहिए। इंसान जो है बहुत ज्यादा जब नशा करने लगता है, पीने लगता है, बहुत उसके शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, कैंसर उत्पन्न हो जाता है और भी बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे घर का वातावरण जो है वो शांतिमय नहीं रहता है, अशांत रहता है, लड़ाई झगड़े जो है वो होते रहते हैं, जो तलाक का कारण बनता है। जब पति पत्नी दोनों जो है मिलकर बच्चों को जब संभालते हैं और वो बोझ जो, जैसे मैंने अभी बताया कि पत्नी के ऊपर बोझ लाद दिया जाता है बच्चों का, कि नहीं साहब बच्चे सिर्फ जो है वो औरत देगी, दोनों का काम होता है, दोनों बाहर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, घर का काम आदमी सोचता है तुम तो घर के अंदर रहती हो, हैं तुम्हें क्या है, आराम से बैठी रहती हो, नहीं, एक कम से कम हफ्ते, एक हफ्ते की छुट्टी लेके, कोई भी आदमी एक हफ्ते की छुट्टी लेके
एक हफ्ते तक वो पूरा घर का काम, जब से पत्नी सुबह उठती है, सुबह उठने से लेकर और रात सोने तक वो पूरे घर का काम करे। मैं मान जाऊंगा अगर उसे थकान ना हो और उसे बड़ा आसान लगे तो पत्नी को काम पे भेज देना, फिर घर का काम वो संभाले। घर का काम मामूली नहीं होता है। तीनों टाइम का खाना बनाना, कपड़े धोना, समय पर खाना देना, समय पे हर चीज जो है बच्चों को और पत्नी को देना, ये बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत सी चीजें जो होती हैं ये होती हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी जो है घर में रहती है वो घर का काम करके देखें। तो ये बोझ जो है, ये सारी चीजें जो होती हैं, पत्नी भी थक जाती है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जब नहीं सोचता इंसान तो तलाक का कारण आता है, क्योंकि लड़ाइयां होने लगती हैं इसी बात को लेकर और वो तलाक का कारण बन जाती है। स्वतंत्रता का फायदा उठाना। देखिए क्या होता है कि बहुत से स्वतंत्रता जो है वह हमें मिली हुई है, ठीक है। कभी किसी घर में आप कुछ भी खाइए, कहीं पर भी जाइए, कुछ भी पीजिए, पति कुछ नहीं कह रहा, पत्नी कुछ नहीं कह रही है, तो इसका कारण ये नहीं है कि हम उस स्वतंत्रता का फायदा उठाएं। जब हम उस स्वतंत्रता का जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने लगते हैं कि अरे मेरी पत्नी तो कुछ नहीं कह रही है या मेरा पति तो कुछ नहीं कह रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी कलह उत्पन्न होने लगता है और वो तलाक की नौबत आ जाती है। और यहां पर जो है जिम्मेदारी, जब विवाह के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी बनते हैं तब दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने घर को कैसे संभालें। दोनों को मिलकर जो है अपने घर को संभालना चाहिए। जब एक भी अपने जिम्मेदारी से मुकरता है या पीछे हटता है तब भी जो है कलह होता है और तलाक का कारण बनता है। जब पति पत्नी के बीच में दूसरा आदमी या दूसरी औरत आ जाती है, देखिए यानी पति पत्नी और वो, जब दूसरा आदमी दूसरी औरत आ जाती है तब क्या होता है, तब भी जो है तलाक के, तब ज्यादा तलाक की नौबत आती है। क्यों आने देते हैं, क्यों आने देते हैं हम अपने रिश्ते को, हम अपने परिवार को खराब क्यों कर रहे हैं। और आज कोई भी आदमी आपके जीवन में या कोई औरत आपके जीवन में आ गई, कल क्या वो रहेगी, कल तीसरी आएगी, परसों चौथी आएगी, ऐसा जो है ये चलता रहेगा। विश्वास, जब आपका पहला विश्वास नहीं है तो दूसरा विश्वास कैसे होगा, तीसरा विश्वास कैसे आप किसी के ऊपर कर सकते हैं। लास्ट है 12वां जो कारण है, 12वां कारण, शक और गलतफहमी। जी हाँ, कभी कदार क्या होता है, शक जो होता है वो क्या होता है, बेमतलब का शक। देखिए या तो शक हो तो प्रूफ के साथ हो, मजबूती के साथ हो। कभी कदार बेमतलब का शक जो होता है ये भी तलाक का कारण बन जाता है, और बहुत सी गलतफहमियां जो हैं वो भी तलाक का कारण बन जाती है। तो हमारे अंदर जो है वो शक नहीं होना चाहिए और गलतफहमियों को तुरंत दूर करना चाहिए। गलतफहमी पाल के नहीं रखना चाहिए। यदि गलतफहमी हमने पाल के रख ली या हमारे जीवन में बनी, खासतौर से पति और पत्नी के जीवन में, तो वो नुकसानदेह होता है उस परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, और ये तलाक का कारण बन जाती है। और ये शक जो है ये तलाक का कारण बन जाता है। तो ये 12 ऐसे पॉइंट है जिसके कारण जो है पति और पत्नी के बीच में तलाक होते हैं जो होने नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को समझिए और इस रिश्ते को परिपक्व बना के रखिए, क्योंकि इसी रिश्ते से सारे रिश्तों की बुनियाद है, और इस बुनियाद को टूटने मत दीजिए, क्योंकि ये बुनियाद टूटती है तो सभी रिश्ते बिखर जाते हैं। किसी भी रिश्ते को बिखरने नहीं दीजिए, ये आपके हाथ में है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।